अगर दोस्तों आपको भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है या फिर डीएक्टिवेट करना है दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में बताऊं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट या फिर डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो। और दोस्तों वो भी मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि एक छोटा सा बच्चा भी सीख सकता है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मेरे को पता है कि आप अंत तक तो लाइक जरूर कर दोगे, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे तरीका मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो जैसे मैं करते जाता हूँ वैसे आपको करते जाने। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं अपने फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। इस फोन की स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने दोस्तों मैं वो अकाउंट पा जाता हूँ जिसको डीएक्टिवेट मेरे को करना है। तो यहाँ पे मैं नया अकाउंट बना रखा हूँ जिसको कि अभी मैं आपके सामने डीएक्टिवेट करके दिखलाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो अकाउंट यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं अभी आपके सामने डीएक्टिवेट करके दिखलाऊंगा। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना अकाउंट को परमानेंटली डीएक्टिवेट कर सकते हो। एंड दोस्तों कुछ टाइम के लिए भी अगर करना होगा तो वहाँ पे इस चीज़ मैं सिखला दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको थ्री लाइन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको थ्री लाइन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जैसे ही आप थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ चीज टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर पे आ जाना है। यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको अकाउंट सेंटर पे आ जाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अकाउंट सेंटर पे आते हो यहाँ पे आप देख पा रहे सबसे नीचे में यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपका फोन नंबर आ जाता है एंड दोस्तों यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है जिसको कि यहाँ पे मैं हाइड करता हूँ आप में वहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाता है अकाउंट ओनरशिप, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करते हो कुछ टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिलता है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इतना करते हो यहाँ पे वो अकाउंट आ जाता है जिसको कि आपको यहाँ पे डिलीट करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अकाउंट आ चुका है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे दोनों तरीका आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड दोस्तों यहाँ पे आपको डिलीट अकाउंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको टेम्प्रोरी मिल जाते हैं एंड दोस्तों यहाँ पे आपको परमानेंटली मिल जाते हैं। तो अगर परमानेंटली आपको करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना, अदरवाइज दोस्तों अगर आपको कुछ टाइम क्लिक करना हो तो आप यहाँ पे छोड़ देना। तो यहाँ पे मैं परमानेंटली डिलीट करने वाला हूँ इसलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक कर दो, अगर दोस्तों आपको कुछ टाइम क्लिक करना होगा तो आप इस पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको परमानेंटली अगर करना होगा तो आप इस पर कर सकते हो। मैं यहाँ पे परमानेंटली करके दिखलाने वाला हूँ इसलिए मैं इस पर करता हूँ। इस पर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपसे रीजन पूछा था कि आप क्यों डिलीट करना चाहते हो अपने अकाउंट को। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल कर देना, अगर आपके पास कोई रीजन है तो यहाँ पे आप रीजन भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ एंड दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने पड़ते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों आपको पासवर्ड नहीं डालना आता होगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का। वहाँ पे उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पे पासवर्ड डालना आप सीख जाओगे, वहाँ पासवर्ड जानना आप सीख जाओगे। तो वहाँ पे वो पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर देना। तो यहाँ पे पासवर्ड को फिल करने पर दोस्तों यहाँ पे फिर से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो जैसे तो वहाँ पे उस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको बोला जाता है कंफर्म परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोलता है कि क्या आप कंफर्म श्योर हो कि आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ इसलिए मैं डिलीट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पर क्लिक करते हो यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पे लोडिंग लेने लगा एंड दोस्तों फाइनली वहाँ पर डिलीट हो चुका है। यहाँ पे दूसरा अकाउंट खुल गया, क्योंकि दोस्तों अकाउंट यहाँ पर डिलीट होने के बाद यहाँ पर दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो चुका पूरी तरह से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अकाउंट था जो कि यहाँ पे आप देखने को नहीं मिल रहा, तो फाइनली यहाँ पे आप डिलीट हो चुका है। बस आपको ऐसे ही करना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर दोस्तों आपको अगर फेसबुक अकाउंट डिलीट करना सीखना तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रहा उस पर आप क्लिक करो और वीडियो को वॉच करो जिससे कि आप सीख जाओगे फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट किया जाता। चलिए तो बाय बाय दोस्तों।